ऐसे गिफ्ट चाहिए भैया, ऐसे गिफ्ट चाहिए चीचू, इधर गिफ्ट। आप भी हो रही है कितने तो पहले तेजी हो, कितना गुल्लू गुल्लू है ना। मैं लेके सब कहाँ देख रहे, गौर से ही एकदम कह रही है कि मेरी तरह लग रहे। कालो किस मारे ली माई बांधे कोरी बाना। गाइस सुबह सुबह वॉक एंड टॉक चल रही है, मम्मा को कॉल आया, मम्मी की मम्मी का कॉल आया हुआ है, और ये है यहाँ का फेस वन का सेंट्रल पार्क। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, तो दोनों साइड ग्रीनरी का बहुत ध्यान रखा बिल्डर ने। ये देखो ऊपर, आज मौसम सुबह बारिश जैसा हो रहा था। इधर भी बैडमिंटन कोर्ट है। एंड गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मम्मा लोगों के साथ मैं उठ के आ गया, चलो कि यार वॉक भी कर लेते और थोड़ा व्लॉग भी शूट कर लेते। तो आप लोग देख सकते हो हमारे पूरे सोसाइटी में ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आप योगा कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, ओपन जिम भी है, पहले आप लोगों ने देख ही रखा है। छमा स्विमिंग पूल ओपन हो गया यहाँ का। ये है यहाँ का पुराना वाला जिम, ये वाला बहुत छोटा जिम है गाइस। ये देखो स्विमिंग पूल, ये रहा स्विमिंग पूल। तो अब हम पूरे देखो गाइस, ये पूरा राउंड हो गया, हमने वहां से स्टार्ट किया था और ये आप लोगों को दिखाई रखा है। छमा छमा क्या बोलना चाहोगे? ये मम्मा अलग ही बिजी चल रही है। ये देखो भाई, ऐसी वॉक करने में मजा आता है, नंगे पैर वॉक करो इसके अंदर। तो गाइस छमा का भी अब एक यूट्यूब चैनल खोलने वाला हूँ मैं, क्योंकि छमा जा रही है होम टाउन, तो वहाँ जाके ब्लॉग बनाएंगी। और अब मैं मम्मा और छमा के साथ वॉक करता हूँ। और गाइस कमेंट डाउन बिलो, आपका भाई का बाल कैसा लग रहा है, रौनक राय कैसा लग रहा है छोटे बालों में, कमेंट कर देना। गाइस घर पहुँच गए और सारा सामान ले लिया हमने, दूध भी ले लिया, सब्जी भी ले लिया है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है, ये हमारे गाँव में होम स्टे बनाया जा रहा है, यह हमारा खुद का बनाया जा रहा है पैमलिंग में। ये देखो काम चल रहा है, ये देखो इस टाइप का हमारे मामा बना रहे। तो आप लोगों को इसको बुक करवा सकते हो जब बन जाएगा। और ऐसी हाँ, और गाइस इसी तरीके का होम स्टे भविष्य में मेरे को भी बहुत मानेगा, ऐसे ही कुछ हो। मैं छमा को यही बोल रहा था, छमा एक टाइम बाद ना ऐसे एक होम स्टे बनाएंगे, छमा वहाँ बैठेंगे रिलैक्स करेंगे, क्योंकि एक टाइम बाद ऐसे होता है हम लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पीस मिले, मेंटली बहुत सुकून मिले। तो आप देख सकते हो फुल ऑन स्विंग पे काम चल रहा है, और अभी तो जस्ट शुरुआत है। अभी आप जब बन के रेडी हो जाएगा तो फिर वहाँ जाके मैं वीडियो भी बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा भी। हेलो कर देने सब लाए। तो गाइज ये मेरे मामा है, यही बना रहे। मामा कब तक रेडी हो जाएगा हमारा होम स्टे? हजू रामा इधर तो कहाँ तबे कहाँ छा कहाँ उन भाई मो बने को, ये होम स्टे कब तक तैयार हो जाएगा हमरो? मामा कब तक तैयार हो जाएगा? अप्रैल लास्ट। तो गाइज मामा अप्रैल लास्ट में तैयार हो जाएगा, उसके बाद तो फिर बुकिंग की लाइन लग जाएगी, देख लेना। सो गाइज बैक टू होम, और वर्कआउट करके आ चुका हूँ। और मेरा वर्कआउट अब थोड़ा सा कम ड्यूरेशन कर दिया, मैंने बहुत लंबा वर्कआउट कर रहा था। और बाकी आज ईद है, तो आप सबको ईद मुबारक हो मेरे तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। और आज हमें इनवाइट कर रखा है शिवू भाई ने, तो आज तो मज़ा आने वाला है। एंड होप सो आप लोगों का बहुत अच्छा टाइम जा रहा होगा, और सही जाना चाहिए यार। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ ना, मेरे आसपास में इतने सारी चीज़ ऐसी चीज़ हो रही है जिससे मुझे ऐसा लग रहा है ये साल थोड़ा सा गाइस ध्यान रखना आप। तो गाइस अब ये तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखाता हूँ बिकॉज ये जो दिन के दिन यहाँ पे गमले बढ़ रहे हैं ना, और आप मानो ना मानो गाइस, मैंने एक चीज़ देखा है, आप जितना घर में गमले लगाओगे पौधे लगाओगे ना, उतना एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा पॉजिटिव वाइब रहता है। इसी वजह से मेरे बालकोनी में भी आप देख रहे हो वहाँ लगा है, तो ये चीज़ है। और बाकी आज एक अच्छी चीज़ क्या, आज ना कोई भी ड्रिल नहीं चल रहा है, और काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपके माइक से आवाज़ बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, मतलब फट रहा है। तो हाँ गाइस वो माइक का क्या है ना, अभी यूज़ करना नहीं आ रहा, वो माइक को थोड़ा दूर से रख के व्लॉग बनाना पड़ता है, बट वो इम्पॉसिबल है। तो उस माइक को मैं तभी यूज़ करूँगा जब मैं बाहर जाऊँगा, कहीं जाऊँगा, या चैलेंज वीडियो मुकबांग हो गया, या आपका प्रैंक वीडियो, इन चीज़ वीडियो में तो काम आना ही आना है। बट यहाँ पे हमारी छमा पता नहीं क्या कर रही है, नीचे लेट के करेले की सब्जी बन रहा है, दाल है, ये देखो ऐसे बनाया जा रहा है हेल्दी हेल्दी। तो यहाँ अंबिका छमा बात कर रही है बेटे के साथ
ये है मेरा आज का आउटफिट और आप देख रहे हो और अब मैं क्लीन बिल्कुल क्लीन होके कैसा लग रहा हूँ मेरा लुक ओह माय गॉड। तो गाइस एक चीज बता देता हूँ, जो इसने पहन रखा वो मेरा है, जो मैंने पहन रखा वो इसका है। तो हम लोग चेंज करते रहते हैं, डिपेंड करता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा हो गया हूँ तो मेरे को क्या हो रहा है। चौड़ा कुछ नहीं गाइस, सेम है चौड़ाई पे देखो। और मैं चुप रहे, चौड़ा ज्यादा हो गया। तो गाइस हेलो भाभी, बहुत अच्छे लग रहे भाई और भाई हो रहा है कहीं पे। सुंदरता इसे कहते हैं। गिफ्ट तो छोड़ दिया था। अच्छा गिफ्ट छोड़ दिया था। चलो मम्मा हम लोग आ गए। और गाइस अब हम जा रहे हैं सेबू भाई के यहाँ पे। तो गाइस यहाँ ब्लॉगिंग चल रही है भाई के चैनल पे पूरी। तो पहुंच गए ब्लॉगर। आज तीसरा कैमरा नहीं निकला बस। तो गाइस हम पहुंच गए। तो ये विलास है। तो पहुंच चुके हम। वेलकम वेलकम, ईद मुबारक हो। ऐसे गिफ्ट चाहिए भैया, ऐसे गिफ्ट चाहिए। चीचू इधर गिफ्ट। आप ही बोली है। कितना पाले इतना पाले तेरे से। कितना गुल्लू गुल्लू है ना। मैं लेके जाऊँ क्या? नहीं जाऊँ। कहाँ देख रहे हो गौर से ही एकदम। क्या कह रही है, ये भी मेरी तरह लग रहे हैं। मेरे घर में सब ज्यादा टाइम मम्मी लगाता है। मैंने सुना था ये यही पहन रहा है। बहुत अच्छी बड़ी बहन हो मेरी मम्मी है। शिव भाई इसको क्या बोला था पहले मेरे व्लॉग में बोल दो। इसे क्या बोला आपने? ये क्या है? ये क्या है? इसको बोलते कि मामी सिवैया। की मामी सिवैया। और ये नॉर्मल सिवैया? और ये शीर है। शीर है। अच्छा शीर है ये। सिवैया बोला हाँ। शीर। अच्छा शीर वो खीर है। तो गाइस अभी चल रही है यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है शीर और खीर में। गाइस इंडिपेंडेंट विलाए और इनके साथ क्या रहता है, तीन फ्लोर बना सकते हो। ये देखो पूरा ये सामने अपार्टमेंट है, जैसे हमारा अपार्टमेंट है। और ये सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड यार। रात के टाइम वो देखना छोटे छोटे बच्चे खेल रहे, कितना प्यारा लग रहा है। रनिंग कर रहे ना। अब तो गाइस इतनी फैसिलिटीज आ गई है। पहले हमारे जब हम छोटे थे ना तब इतने ग्राउंड नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे तो हम सेक्टर के पार्क में खेलते थे। और बचपन से आर्मी वाले कॉलोनी में रहे ना, तो आर्मी वाले कॉलोनी में बहुत रिस्ट्रिक्शन रहती थी। बहुत मतलब ऐसे ऐसे टाइम देखे क्या बताऊँ। बॉल चली जाती थी, रख लेते थे, देते नहीं थे। और वो टाइम बहुत स्ट्रगलिंग वाला भी था। बट ये इसकी जान है। देखो ये, देखो ये है। और ये हमारे शिव भाई का घर है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी देखो कितने छोटे छोटे बच्चे। मैं भी ऐसे ही था गाइस, जब मैं क्रिकेट खेलता था ना सबसे छोटा मैं ही रहता था अपने उसमें ग्रुप में। ये देखो अभी, देखो ये देखो अभी एक बॉल डालेगा। मैं सोच रहा ऐसे ग्राउंड बुक करा के क्रिकेट खेले यार, मज़ा भी आता है ऐसे ग्राउंड में। देखो वो देखो कितना छोटा बच्चा बॉल डाल रहा है, कितना छोटा बच्चा बैटिंग कर रहा है। ओ भाई क्या शॉट है, ओ फील्डिंग है भाई। नाइस नाइस नाइस। भैया का दोस्त है ना शेबास भैया, मम्मा रियल मैच बहुत सही लग रहा है। प्लीज कमेंट डाउन बिलो। शीर है और बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा। कैसा लगा? बढ़िया ना भाभी, कैसा लग रहा? बहुत अशर भाभी, बहुत टेस्टी। सच में गाइस बहुत टेस्टी। अम्मा आपने खा लिया? इस अब हम जा रहे हैं। और थैंक यू सो मच शेबू भाई, थैंक यू थैंक यू। और मजा आ गया, बढ़िया बढ़िया खाने को मिला इसके लिए। सब हम निकल रहे घर के लिए। और थैंक यू सो मच शेबू भाई इनवाइट करने के लिए। और गाइस इनके चैनल को भी मैं टैग कर दूंगा कल वाले ब्लॉग में। और ईद मुबारक हो आप सबको, आपकी फैमिली को। और हम तो सारे त्यौहार मनाते हैं क्योंकि हमारे दो यार मित्र सारे हैं ना, वो है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। हाँ जी बोलिए, बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये तो वो लग रहा है वो जो निकाह नहीं कराते हाथ में लेके। तो गाइस अब मैं सो रहा हूँ ब्लॉग को भी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड वंस अगेन हैप्पी ईद। और आज के वीडियो को ब्लॉग को यही एंड करते हैं। सो दिस इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पर नए जाके जरूर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं न्यू वीडियो ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। लव यू एंड बाय बाय।